हुसैन आज तू जेल से रिहा हो रहा है, मुबारक हो। जब तक दिल नहीं मिलते हम हाथ नहीं मिलाते। दोस्ती के नाते ना सही, दुश्मनी के नाते हाथ मलाला। सोच ले, जब मैं दुश्मन के साथ हाथ मिलाता हूं तो उसके हाथ की जीवन रेखाएं ही मिट जाती हैं। ओए, मेरे जाने के बाद बेबस कैदियों पर जुल्म मत ढाना। ये तेरा मशवरा है या धमकी? जो भी है इसे अपने कोल रख। बाकी रही कैदियों की बात, यहां का हर कैदी मेरी मर्जी से जिएगा और मरेगा। ओए, तो तुम उनके खुदा बनना चाहते हो? बनना चाहता हूं और खुदा बनूंगा भी। दिल उनका होगा लेकिन उनकी धड़कनों पर मेरा कब्जा होगा, और मैं ये भी फैसला करूंगा कि कौन कैसे जिए, कब तक जिए, मरे तो कैसे मरे। ओए जेलर, एक बात याद रख, तो जैसे खुदाओं के चेहरे की आरती नहीं उतारी जाती, चेहरा ही उतार लिया जाता है। जिस तरह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं ना, उसी तरह मैं तेरे चेहरे को जेल के दरवाजे पर टांग दूंगा ताकि फिर कोई राक्षस इस वर्दी में अंदर ना दाखिल हो सके। खुदा हाफिज। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। ओए ओए, तू जा यार, जा। या अल्लाह, आज ईद का मुबारक दिन है, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन ये घर उन खुशियों से महरूम है। या मेरे अल्लाह, इससे पहले कि इन आंखों में अपनी औलाद को देखने की रोशनी ही ना रहे, तू मुझे अपने लाल से मिला दे परवरदिगार। आज एक माँ तुझसे अपनी नमाज और रोजों का सिला मांगती है, मुझे अपने लाल से मिला दे मेरे अल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अब मैं आ गया हूँ। हुसैन, 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 मेरा बच्चा, हुसैन, मेरे बच्चे। अम्मी जान, तू आ गया। अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है मेरे मालिक, तू आ गया। रजिया, कौन है अम्मी? अरे देख तो कौन आया है। अम्मी, कौन आया है? भाईजान, 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 भाई, शुक्र है अल्लाह तेरा। सचू, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही हूँ। नहीं भाईजान, मैं तो इन मोतियों से आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे रुला दिया ना इसको, इतने सालों बाद ये घर आया है, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाना। जा रजिया। हाँ अभी लाई। हाँ बेटा, यहाँ बैठ। कैसा है तू? मेरे सर पर तो तेरी दुआओं का साया था माँ, पर देख रहा हूं इन 5 सालों में मेरी माँ, मेरी बहन को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी। ये तो उम्र की थकन है बेटा, लेकिन तेरे माथे की लकीरें तेरी दुखों की दास्तान सुना रही है। तेरी आंखें कह रही है कि तू एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया। अब तू घर आ गया है, चैन से दो रोटी खा ले, आराम कर। देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नामो निशान मिटा दूंगा।
हुसैन, तू किसे मारने जा रहा है? उसे अमी जान, जिसने हुसैन के माथे पर मुजरिम का दाग लगा दिया। 5 साल में जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं जेल से निकलूंगा और उसे उसकी जिंदगी से आजाद कर दूंगा। तो फातिमा का बेटा खून करेगा? हुसैन के नाम के साथ करबला की तारीख जुड़ी हुई है। उन्होंने उन जालिमों को माफ नहीं किया, बल्कि उस जिहाद में खुद शहीद हो गए। मुझे तेरे फैसले पर एतराज नहीं, पर मुझे इतना बता कि तेरे बाद तेरी माँ और तेरी बहन का क्या होगा? फिर भी तू अपनी मन की करना चाहता है तो बेशक जा, मार डाल उस भवानी को, ताकि जिंदगी भर तेरी बहन की हथेली मेहंदी को तरसे और मेरा जनाजा तेरे कंधों को। मैं जानती हूं इन 5 सालों में क्या बीती होगी तुझ पर, क्या कुछ सहा होगा तूने, लेकिन अपना इंतकाम पूरा करने से पहले तुम्हें एक भाई का फर्ज अंजाम देना है। अपनी बहन के हाथ पीले करते फिर मैं तेरे इंसाफ के रास्ते में नहीं आऊंगी बेटा। हुसैन बेटा, अभी गुस्सा छोड़, बहुत सारी जिम्मेदारियां तुझे निभानी है। आ देखो बेटा, तुझे तेरी अम्मी जान की कसम है, जब तक अपनी बहन को डोली में बिठाकर रुखसत नहीं करेगा तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ये ममता की बंदिशों का धागा है। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी? क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। हाँ, गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पियेंगे, विस्की, शैंपेन, थर्रा? हाँ? नहीं, थर्रा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अच्छा। पियेंगे भी कैसे, अपनी हार का कड़वा घूंट चुप पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया। क्या? कि भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आई गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा। हाँ, तुमने कहावत तो सुनी होगी। क्या? कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब। ये देखो और खुद फैसला करो कि छूटी हड्डियां कौन चाट रहा था। ये विजय को चला गया। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर, नो फोटोग्राफ्स प्लीज। क्या आप बता सकते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट बताकर थोड़ा ही होता है। सुना है ये एक्सीडेंट आप ही ने करवाया है, ताकि मजदूरों पर पैसा पानी की तरह बहाकर आप उनकी वाहवाही जीत सके और फिर ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का इलेक्शन जीत सके। मैं अपने मजदूर साथियों को हारकर कुछ भी नहीं जीतना चाहता। तो कौन हो सकता है वो आदमी? मेरा लेटर।
देख लेता हूँ यार। इसी लाइटर की तलाश थी ना? जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद मेरे पास आ गया। अब तू बचकर नहीं जाएगा। कसम अंगूर की बेटी की, आज मैं तुझे पी पी कर मारूंगा। शराब पीने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। अपने आंचल में सारी दुनिया की नजरों से मुझे छुपा लिया। तुम्हारे भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। कोई नहीं बचा जिससे मैं प्यार कर सकूं या कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों मधु जी आपसे प्यार नहीं करती क्या? उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए वरना जज साहब के काले कोट पर सफेद धब्बा लग जाएगा। लोग समझेंगे कि एक हरामी के साथ रिश्ता जोड़कर जज साहब को कोड हो गया। जिस तरह हम भूल गए आप भी भूल जाइए कि इस दुनिया में हमारा कोई है। तो भी तोड़ दो इन चूड़ियों को अपने हाथों से जिन्हें प्यार की कसमों के साथ तुमने मुझे पहनाई थी। मेरे गले में तो तुम मंगलसूत्र नहीं डाल सके। फांसी का फंदा तो डाल दो ताकि किसी और की बाहों में जाने से पहले मैं अपने आप को खत्म तो कर दूं। पीछे मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेम साहब, सभी जी लेते हैं। मेरी माँ भी मेरे बगैर कहीं जी रही है ना। एक औरत की गलती की सजा तुम दुनिया की तमाम औरतों को देना चाहते हो? मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं तुम्हारे गम मांगने आई हूँ। मुझे वापस मत भेजना। मैं वो घर छोड़ के आई हूं जिस घर ने तुम्हें वो गम दिए हैं। पीछे मैं जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ पीछे तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? Thank you.
क्या हुआ राजा बाबू को? यह होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। मामा जी, भांजे जी, जरा मिसेस सी के ओबेरॉय की बहू को तो पेश किया जाए। आहा, रुक्मणी रुक्मणी, शादी रुकी, जल्दी आ जा। मधु, आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख, तुझे दौलत चाहिए थी वो मैंने तुझे दे दी। मधु विजय की अमानत है, इसे छोड़ दे। मैं नए जमाने का सैंपल हूं मिस्टर सी के ओबेरॉय। जो चीज प्यार से नहीं मिलती उसे छीन लेता। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है सख्त सख्त। और मैं पुराने जमाने का सैंपल हूं, जबान के लिए सर कटा सकता हूं। ओबेरॉय साहब, आगे आगे क्या होता है चुपचाप देखते रहिए। जिस मांग में तुम विजय के नाम का सिंदूर भरना चाहती थी, आज उसी मांग में मैं अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। नहीं, नहीं। तू लक्ष्मण है मेरे बेटे, अगर सीता की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आग में जलकर राख हो जाएगा। क्या मां? मां, भले तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं मधु की मांग में सिंदूर नहीं भरने दूंगी। तू हट जा मां। नहीं, हट जा। इसकी मांग में सिंदूर भरने से कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? तू या ये? नहीं, नहीं, राजा, नहीं। विजय, हरामजादो, देख क्या रहे हो? उड़ा दो उसे। यो को सुना, पकड़ो साले को। विजय, बेटे, you
पैसों की खातिर दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले। ये पैसा, ये। कौन? आप ही का है। ऐसी औलाद हम पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सामने से हट जाइए डैड, सामने से हट जाइए, वरना गोली मारेगा मुझे। मार, मार गोली। रुक जाइए डैड। नहीं डैड, रुक जाइए डैड। यही है ना वो हाथ जिससे तूने अपनी मां को उठाकर आग में फेंका था। यही है ना वो लात जो तूने अपनी मां की कोख पर मारी थी, वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया था। डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड, मैं आपका बेटा हूं डैड। तो जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड। नहीं नहीं डैड। विजय, विजय, बेशक ऐसा नहीं हो सकता। विजय, विजय, विजय तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, विजय, सुना आपने, इसने मुझे माँ कहा। रो मत शारदा, आज के बाद ये तुझे हमेशा माँ ही कहेगा। क्यों बेटा? मेरा बेटा। राजा, भैया मुझे माफ कर दो, भाई की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है। भैया, I'm sorry dad, बेटे। हाय, मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड्डू, किसी दिन हाथ पांव तुड़वाने हैं क्या? ये कौन सा ढंग है अंदर आने का? टाइम मम्मी, टाइम मम्मी, जिंदगी में वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग। वो देखिए घड़ी, देखिए एग्जैक्टली 9 o'clock, और अगर मुझे टेबल पर आने में एक मिनट की भी देर हो जाती तो डैड का लेक्चर सुनना पड़ता वक्त की पाबंदी पर। नहीं डैड। अरे वक्त की पाबंदी कोई हमसे सीखे, अरे घड़ियाल की ठनठनाहट खत्म भी नहीं हुई, बलिया नाश्ता बटोरे टेबल पे हाजिर है। आदाब हुजूर। साहेब, पाबंदी हमारी पैदाइशी आदत है। ज्योतिषी, ज्योतिषी मेरे बाप को बोला रहा कि तुहार बिटवा 4 तारीख को इस दुनिया में आई है, हम ठीक 12 बजे रात को टपक पड़े। की तारीख?
चार से पांच न हुई जाए ई भईना बखत की पादम भी। बलिया बकवास बंद। रहमान अंकल आज शाम को सिटी कॉलेज के साथ हमारा फुटबॉल का मैच है, आप ग्राउंड पर आएंगे ना? जरूर आऊंगा बेटे, तुम भी आओगे ना विक्रम? मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बेटा जीतेगा कैसे? भूल गए क्या अपने जमाने में माया फुटबॉल चैंपियन था? चैंपियन पैदाइशी आदत है। बलिया ग्राउंड के बाहर बैठकर बेटे को ऐसी ऐसी हिदायतें दूंगा कि मेरा बेटा जीत जाए। गुड बेटा, एनर्जी बना के खेला, एनर्जी। राइट ऑन। बलिया संतरे का फ्रेश जूस निकाल के ला गुड के लिए, और सुनो 3 चम्मच ग्लूकोज के। जल्दी से आओ। अरे बेटे को जिताने का परम उपाय मेरे पास है। क्या है आपके पास? गुड्डू कृष्ण भगवान का ये चरणामृत पी लो, फिर विजय तुम्हारी होगी। तुम समझती हो मूर्ति के पैरों की धोवन पीकर मेरा बेटा मैच जीत जाएगा? जरूर जीतेगा, भगवान जिताएंगे उसे। भगवान जिताएंगे? श्रीमती जी अगर दूसरी टीम के 11 खिलाड़ी भी वो धोवन पीकर मैच खेलने चले आए तो आपका भगवान किसे जिताएगा? बोलिए बोलिए किसे जिताएगा? ये तुम्हारा कोर्ट नहीं है वकील साहब, बहस मत करो, विश्वास की बातों में तर्क नहीं चलता। आज मेरा विश्वास परख के देखो बेटे, ये चरणामृत पी लो, जीत तुम्हारी ही होगी। ओके ठहरो गुड्डू। देखो श्रीमती तुम अपना अंधविश्वास अपने तक ही रखो, ये भगवान की भक्ति का जमाना नहीं साइंस की शक्ति का जमाना है। गुड पॉइंट। तुम्हारी जिद पर मैंने तुम्हें इस बंगले में पूजा घर बनाने की इजाजत दे दी थी, मगर अपने बेटे को गुमराह करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा, समझे? क्या गुड्डू सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं? उसे राह सुझाने का अधिकार सिर्फ तुम्हें, मुझे नहीं। दोनों का माय बाप, दोनों का। मम्मी ये देखिए, ये रहा आपका चरणामृत, और डैडी ये है आपका संतरामृत। अब इन दोनों का घोल बनाकर यो मैं इसे इस ढोल में डालता हूँ। अब तो ये मैच मैं ही जीतूंगा ना, माई एंड बाप। थैंक यू। क्या कर रही है? अगर मेरी स्ट्रेटेजी से खेलता तो कम से कम 3 गोल से जीत चुका होता। अपनी स्ट्रेटेजी को मारो गोली विक्रम, और मैच देखो। अरे क्या देखो मैच को, मेरी तरह देख ही नहीं रहा है। मार्वल स्टैंडर्ड की सोनिया। लेकिन सोनिया के साथ ये सुपर मार्वल कौन है? हेलो सोनिया। ये लड़का फेकू है। गुड इवनिंग। ये मैच चालू है। हेलो सोनिया। ये सब बदमाश है। अरे तू जब से कॉलेज में घुसे तब से यही कह रही है, ये फेकू है, चिपकू है, भोंदू है, तेरे कॉलेज में कोई हीरो नहीं क्या? हेलो, आपने मुझे याद किया। हाय सोनिया। सोनिया मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमसे मैच हारने के बाद ये हमारे कॉलेज सोशल में आएंगे। मैं लेके आई हूँ, मुझे बधाई दो। कांग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम। आज भी आप हाथ नहीं मिलाएंगे? आई वॉन्ट। अरे वो नहीं तो हमसे मिला लो। आपसे मिलाता हूँ, ये लीजिए। मिलाइए मिलाइए जाइए। माइकल जैक्सन की औलाद इधर बात सुन। ओह यस
अरे यार ये माइकल जैक्सन का गायब हो गया। बोला ए किधर है टिकडू? तेरा तो काम बन गया यार। वो देख बैठी है अकेली, जा पटा ले। अरे यार पटा कैसे लूं? अरे पटा लेना। बात करता है यार, डर लगता है मुझको। अरे समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता अकेला यार ना। अरे बाप रे वो तो इधर ही आ रही है। हां यार मैं जाता हूं। ए दुकान जरा रुकना। अरे नहीं यार मैं जाता हूं। मैंने बाय बाय। ए रुकना। ए तेरी टाटा भाभी की तो मैं। ए मिस्टर कौन? ओ सलीना जी हाय। क्या दूर से क्या देख रहे थे? पास क्यों नहीं आए? आप चाहती थी कि मैं आपके पास आ जाऊं? मजबूरी है। तुम्हारे सिवा किसी और से पर्जिया भी तो नहीं। ओह ये मैं अकेली बैठी थी और सोनिया को प्रिंसिपल ने बुला लिया। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि पास आके मुझे कंपनी दो? क्या यही सभ्यता सीखी है तुमने कॉलेज में? आपने शायद नोट नहीं किया, ये सभ्यता कॉलेज नहीं है, साइंस कॉलेज है। सभ्यता आप सिखा दीजिए। सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इस भीड़भाड़ से दूर कहीं तन्हाई मिले चलो। यू मीन अलोन? जस्ट यू एंड मी? ओ आई आइए ना हियर कम। हमारे कॉलेज में इससे ज्यादा तन्हाई की जगह और दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इधर हमारे प्रिंसिपल साहब अपने कुत्तों के साथ अकेले रहते हैं, यू नो बाबाओ। आइए 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 इधर से आइए। इसका मतलब है आपको कुत्तों से डर नहीं लगता ना? या कोई जादू किया है अपने कुत्तों पर? ना 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 आप गलत समझ रही हैं, जादू नहीं चमत्कार। इसलिए कॉलेज में लोग मुझे गुड्डू बाजीगर करू चमत्कारी के नाम से ही जानते हैं। सॉरी आप यहाँ बैठिए। ये आप क्या लगा रखी है? तुम कहते जबान घिसती है क्या? पहले दिन कैसे कहा था? ऑफ कोर्स सिली मी। तुम यहाँ बैठो। बैठ गई तो ठंडी पड़ जाऊंगी। ठंडी पड़? आपका इरादा तो नेक है। इरादा नेक है। गुड। तुम्हें फटकारने का? जी जी हाँ, इसे सभ्यता कहते हैं। किसी को फटकारना हो तो पब्लिक में नहीं, तन्हाई में आके फटकारा जाए। तभी आप मुझे यहाँ तन्हाई मिलाई। मैं समझा शायद हम दोनों के बीच में कुछ डेवलप। मेम साहब उस दिन फुटबॉल ग्राउंड्स पर आपने मुझ पर बहुत सारे टाइटल चिपकाए थे, क्या आज धोखे से इस तन्हाई में लाकर कोई नया टाइटल चिपकाने का इरादा? तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस बाप को। मेरे डैड को? अरे हिटलर है हिटलर। आप तो चढ़ती जा रही है। बिल्कुल चंगेज खान। खामखा धौस जमाए रहते हैं। श्रीमान समझते किसी गुलफाम को, इंद्रलोक के किसी राजकुमार को जन्म दे बैठे हैं। कोई फिल्म का हीरो जिसे देखते लड़कियां लट्टू हो जाती है। अरे की सारी वो समझते हैं कि मैं तुम पर मरमिटी हूँ। आप अभी तक मरी नहीं। नो चैंस। उसे कह देना कि मैं तुम्हें इतना थोड़ा इतना भी नहीं चाहती हूँ। इतना भी नहीं। ठीक है कह दूंगा, और ये भी कह दूंगा कि मुझे चाहना तो बहुत दूर। आप जब मेरी शक्ल देखती हैं तो तुम्हारे दिल में आता है कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओ। बिल्कुल। तुम हंसी क्यों? एक बात याद आ गई, मैंने उस हिटलर महाराज की एक खूबसूरती तस्वीर बनाई है। कभी घर आना तुम्हें दिखा दूंगी। तुम भी खुश हो जाओगे। हिटलर महाराज को भी साथ में ले आऊंगा, उन्हें भी दिखा देना, वो भी खुश हो जाएंगे। भोंदू कोई अपने आप को हिटलर के रूप में देखे खुश होता है? वो मेरा कान मरोड़ देंगे। हो सकता है तुम्हारा मुंह भी चूम ले। भाई अगर तुम मेरी तस्वीर बनाती ना मैं तो तुम्हारा मुंह चूम लेता, और अगर इजाजत हो तो एडवांस के तौर पर एक सैंपल पेश कर। मैं तुम्हारी तस्वीर कभी ना बनाऊ? हाँ तुम क्यों मेरी तस्वीर बनाने लगी? तुम तो समझती हो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मुझसे नफरत करती हो। नफरत? मैंने ही कब कहा? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वैसे तुम दिखने में बुरे नहीं हो। अब अच्छा लगता हूँ ना? कुछ कुछ। मैम सब ऐसे ही मिलते रहिए, धीरे धीरे ये कुछ कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। इसी बात पे हाथ मिलाइए ना। अब हाथ मिलाए हैं तो दिल भी मिला ही लीजिए। क्यों
चालू का टाइटल लेना है आपको। तो आपको हमारे कॉलेज के टाइटल्स के बारे में मालूम है? वेरी गुड, आई लाइक इंटेलिजेंट गर्ल्स। अब जब हमारे कॉलेज के बारे में आपको इतना ही मालूम है, तो क्यों नहीं हमारे कॉलेज के पेरेंट्स फंक्शन में भी आप शामिल हो जाती होंगी ना? प्लीज लेट्स गो, वन मिनट। ओ मम्मी, मम्मी, गुड्डू, मम्मी, गुड्डू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बंदा तो रहा मम्मी, राइट साइड में। अचानक दर्द कैसे हो गया बेटा? आसन करते करते। बलिया, बलिया बाजार गया है मलकी। गुड्डू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, साहब को, डॉक्टर साहब को जल्दी फोन करके बुलाओ। अच्छा मलकी, हम कहीं देख है। कृष्ण ठीक हो जाएगा बेटा, रक्षा करना कृष्ण पुरानी, दया करना। क्या हुआ बेटे, कैसे तबीयत? सर में बहुत तेज दर्द उठाता, डैड, नाउ आई एम ऑल राइट। आई होप नथिंग इज सीरियस डॉक्टर। डोंट वरी मिस्टर बहादुर, कुछ दिन ये दवाई देते रहिए, ही विल बी फाइन। शिरसा तो इन्हें सूट नहीं करता, इन्हें छोड़ देना। ओह यू मीन स्टैंडिंग ऑन द हेड। मैं तो पहले ही कहती हूँ, इतना उल्टा सीधा करता रहता है ना। ओके, कुछ दिनों के लिए शीर्षासन, दिमागी स्ट्रेन से बचे, कुछ दिन रिलैक्स करे, सैर करे, और हो सके तो इन्हें कहीं वेकेशन पर ले जाए। वो मैं खुद ले जाऊंगा, क्रिसमस की छुट्टियां आ रही है बेटे, हम तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाएंगे। अरे वाह, स्विट्जरलैंड तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, धरती पर स्वर्ग माना जाता है, मिलकर खूब स्कीइंग करेंगे। हाँ, हम तीनों करेंगे। ओके मिस्टर बहादुर। हाँ डॉक्टर, आइए मैं छोड़ता हूँ। ये टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो बलिया? टेढ़ा बना दिया गया तो सीधा कैसे चल सकते? क्या हुआ? कल से मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा मालकिन। लेकिन हुआ क्या तुझे? अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, वहाँ एक सुसरी मिल गई तो लोगों ने ये हालत बना दी। बलिया, एक लड़की मिल गई। तूने लड़की को छेड़ा? नहीं छेड़ा नहीं, वो तो खरीद रहा था, ये लीजिए। इसमें मेरा सामान है ना, सारी गेम्स है ना मेरी। ये तू मेरे लिए आया बलिया? हाँ बाबा। ठीक से देख कर दे, ये क्या लेकर आया तू? तो औरत वाला सीना लंगोट है बाबा। और ये सब क्या है? ये लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक नहीं है, नेल पॉलिश है। पूछो जरा कहाँ से होके आई है। ये चमत्कार कहाँ हो गया बाबा?